अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे रिवर्स पूछा हुआ है। रिवर्स किस तरह से पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, क्योंकि हम इस परसेंटेज से तो हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इस परसेंटेज से जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर जेड सब्सटीट्यूशन से हम जो है दोबारा एक्स में चेंज कर लेंगे उसको। तो हमारे पास मीन जो है वो 40 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 60 दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, 45% एरिया टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे होना चाहिए 45% एरिया। तो 45% एरिया ये आपको पता है कि ये जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड पे आपके पास 50% होता है, जीरो के राइट साइड पे 50% होता है एरिया, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो आपके पास 50% होता है, ये 0.5 होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये 45 यहाँ कहीं होगा आपके पास, और ये शेडेड एरिया ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस 45 लेफ्ट पे जो एरिया होगा 45%, उस पे z की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी आपके पास। तो इसको हम फिर टेबल से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये टेबल ओपन कर लिया मैंने। तो ये जो टेबल पे सेंटर में जो वैल्यूज है ना, ये आपके पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं ये सेंटर में, और ये जेड की कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है। ये ऊपर 2 डेसिमल चल रहा है, इधर जो है 1 डेसिमल चल रहा है जेड का। तो हमें 45% फाइंड आउट करना है, यानी कि 0.45% फाइंड आउट करना है। तो 0.45% हम इस सेंटर वाले कॉलम में देखेंगे कि कहाँ पर होगा। तो ये आ गया 0.5, ये आ गया 0 पर जो होता है 0.5 होता है, उसके बाद ये 0.6 है, 0.45 आ गया। तो सबसे ज़्यादा करीब वैल्यू जो है वो आपके पास ये वाली है। ये वैल्यू आ जाएगी -0.12, ये आ जाएगी आपके पास, या फिर ये इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं, -0.13 आ जाएगा। ये माइनस जीरो पॉइंट, ये जीरो है, फिर ये वन आ जाता है, फिर ये टू आ जाता है, ये थ्री आ जाता है। तो -0.13 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमें फाइंड आउट करना था 45% लेफ्ट पे फाइंड आउट करना है, और ये टेबल भी हमारे पास, जी टेबल जो है वो हमारे पास लेस देन का टेबल है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जेड की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 45% लेफ्ट पर आ जाए। तो जेड की -0.13 वैल्यू होनी चाहिए कि आपके पास लेफ्ट पे 45% आ जाए। अब ये तो जेड की वैल्यू आई है, इसको आपने सब्सटीट्यूशन करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी सब्सटीट्यूशन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 39.22 आ जाएगी है। इसी तरह बी पार्ट में वो ये क्या बोल रहे हैं कि बी पार्ट में आपके पास एरिया फाइंड आउट करना है 14% राइट पर। तो ये 14% राइट पर एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कहीं होगा कोई ऐसा इतना छोटा सा ही 14% एरिया कहलाएगा ना ये। तो ये मैंने अंदाजे से 14% एरिया को मैंने मार्क किया यहाँ पर, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। तो मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन राइट साइड पर, यानी कि क्या वैल्यू होगी कि उसका परसेंटेज जो आपके पास बन जाए 14% बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेस देन की फाइंड आउट करूँगा, मैं ग्रेटर देन की फाइंड आउट नहीं करूँगा। फिर प्रॉपर्टी के थ्रू उसको जो है चेंज कर लूँगा ग्रेटर देन में। तो मैं सबसे पहले लेस देन की फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो लेस देन मुझे क्या चाहिए, 14% चाहिए। तो फॉर्ट आधा करीब है, तो 0.0 चल रही है। ये आ गया आपके पास 14%, 0.14 जो होगा ये 14% होगा। अब ये इसको काउंट कर लेते हैं, 0 हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो -1.8 बन रहा है ये आंसर, -1.08 बन रहा है, -1.08 ये मैंने लिख लिया यहाँ पे वैल्यू। अब ये लेस देन की वैल्यू है आपके पास। अच्छा, ये ग्राफ जो होता है आपके पास सिमेट्रिक ग्राफ होता है, सिमेट्रिक ग्राफ होता है। तो ये आपके पास जो लेस देन की ये वाली वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, अभी ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करी है लेस देन की, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास -1.08 आंसर आ रहा है, यहाँ पर आंसर जो आया -1.08 ये आंसर आया मेरे पास -1.08। अब ये क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है तो
अगर आपके पास 14% लेफ्ट पर होगा, उस पर आपके पास कोई वैल्यू होगी z की, तो वही 14% राइट पर भी वही वैल्यू होगी z की, लेकिन फर्क कितना होगा, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होगा। कि यहाँ पे ये -1.08 है, तो यहाँ पर 1.08 होगा, सिर्फ पॉजिटिव का होगा, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। अगर परसेंटेज दोनों की सेम है तो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर लेस देन आपने फाइंड आउट करना है तो -1.08 पर आपको ये वैल्यू मिलेगी, और अगर ग्रेटर देन पे फाइंड आउट करना है तो 1.08 पर आपको ये वैल्यू मिलेगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू। तो इन्होंने क्या बोला था, राइट पर फाइंड आउट करना है यानी ग्रेटर देन पे फाइंड आउट करनी है, तो हमने लेस देन का ही फाइंड आउट किया पहले, तो 14% लेफ्ट साइड का ही फाइंड आउट किया, तो वो लेस देन का आ गया मेरे पास आंसर। लेस देन को ग्रेटर देन में मुझे चेंज करना है तो सिर्फ पॉजिटिव लगाऊंगा मैं यहाँ पर, अगर ये मेरे पास ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर 14% सेम है तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होगा। अच्छा, अब ये आ गई मेरे पास जेड की वैल्यू, इसको सब्सटीट्यूट करूंगा मैं, जेड सब्सटीट्यूशन जो हमने करी थी सबसे पहले, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इसकी एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी।